हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, हम पे हमारे काफ़ी किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि अब्दुल भाई, एक वीडियो ऐसा बनाओ कि जो हमारा ट्रैक्टर है उसमें ग्रीसिंग हमें कौन कौन सी जगह पे करना होता है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक और फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि दोस्तों, आपका कोई भी ट्रैक्टर है उसमें ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पे उसमें ग्रीस करवाना चाहिए। तो अगर आपके पास में भी ट्रैक्टर है और आप ट्रैक्टर ओनर हो, तो देखो, हमारे पास में तो ये ग्रीस पंप है, बड़ा वाला, कम से कम ये 10 kg का है। तो आपको तो इतने बड़े पंप की ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है, छोटा सा उसका ग्रीस पंप मिलता है जो कि ये रहा, देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे उसका निपल लगता है, जैसे कि ये रहा, ये वाला नेपल ऐसे यहाँ पे लगता है। मैंने फिलहाल उसका नेपल निकाला हुआ है। तो इस तरह से एक छोटा सा पंप आपको खरीद लेना है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 300 रुपये का मिल जाएगा मार्केट में, अच्छे वाला। तो ऐसे एक छोटा सा पंप रखना है, और ये कुछ इस तरह से पूरा ग्रीसिंग का काम करता है। यहाँ से खोल के आप इसमें आप ग्रीस डाल सकते हो। तो ये पंप एक छोटा सा आपको खरीद लेना है, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि ट्रैक्टर में समय समय पे ग्रीसिंग होना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाऊंगा। हमारे पास में एक मेसी फर्ग्यूसन 10 mt DI आया हुआ है, जिसमें हमें ग्रीसिंग करना है। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। तो आज थोड़ा फ्री हूँ, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आसानी से आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे ग्रीस करना लाजमी और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पूरे ट्रैक्टर में तो छोड़ दो, लेकिन जो मैं आपको मेन पार्ट दिखाऊंगा, वहाँ पे ग्रीस होना लाजमी और ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से हमारा जहाँ पे भी ये वर्किंग होता है, देख सकते हैं ये हार्ट या हमारा ये घुटना हो गया, तो यहाँ पे जो होता है कैल्शियम है ना, अगर हमारे पैर में या हार्ट में जितने भी हमारे जोड़ है वहाँ पे अगर कैल्शियम की कमी आती है, तो हमारा हार्ट दर्द करने लगता है, पैर दर्द करने लगता है, और फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें इंजेक्शन लगवाते हैं। बस ठीक उसी तरह से ट्रैक्टर में यही होता है, जितने भी उसके जोड़ है, जैसे टायरोड एंड हो गया, सेंटर पिन, किम्पिंग है ना, वो सब जगह में ग्रीस का होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीस उसको लुब्रिकेटिंग का काम करता है। यानी कि उसमें भी जैसे हमारे जोड़ों में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसी तरह से उसको ग्रीस की ज़रूरत होती है, ग्रीस उसके लिए कैल्शियम का काम करता है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक्टर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर सूखा चलने से क्या होगा दोस्तों, आपने सही वक्त पे उसमें ग्रीसिंग नहीं करवाया, तो ये सूखा चलेगा। सूखा चलने के बाद उसमें जो मेटल के, गन मेटल के जो बूस होते हैं ना, वो कटने लगते हैं आपस में, एक दूसरे से रगड़ खाने के बाद वो कटने लगते हैं, और उसमें फिर कर पर मर की आवाज़ आने लगती है, जैसे स्टेरिंग का किम्पिंग जाम हो गया, स्टेरिंग बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो अगर आप समय समय पे उसमें ग्रीसिंग करोगे, तो आपके ट्रैक्टर के जितने भी जोड़े हैं ना, उसकी लाइफ दुगना हो जाएगी। जैसे किम्पिंग हो गया, टायरोड एंड हो गया, क्लच पैंडल हो गया, ब्रेक पैंडल हो गया, अभी मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊंगा, और बहुत आसान होता है दोस्तों, बिल्कुल इजीली। आप वीडियो में खुद देख लेना मैं किस तरह से आसानी से ग्रीस फोड़ लेता हूँ, है ना, उसमें जो ग्रीसिंग करता हूँ कितनी आसानी से हो जाता है। अगर आप समय समय पर करते हो तो, अगर लॉन्ग टाइम हो जाएगा, अगर लंबा टाइम होता है, तो फिर ग्रीस करने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि पूरे उसके जितने भी सुराग हो ना, वो जाम हो जाते। तो ये वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे और किसान भाइयों में भी शेयर करना। अगर हमारे और किसान भाई इस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो हो सकता है हमारे वीडियो के माध्यम से उनको ये पूरी जानकारी मिले। और हाँ, आप अगर हमारी चैनल अब्दुल कुरत आज आए हो, और आज आपने हमारा वीडियो देखा है, तो सबसे पहले तो आप हमारी यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरत को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर करें। मेरा फेसबुक का भी आईडी है अब्दुल कुरत के नाम से, और इंस्टा का भी आईडी अब्दुल कुरत के नाम से है, तो आप जल्दी से वहाँ पे भी मेरे को फॉलो करो। मैं भी वहाँ पे भी अच्छे अच्छे पोस्ट पिक्स डालता रहता हूँ, वीडियो वगैरह, तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, और ट्रैक्टर में किस तरह से ग्रीसिंग किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेसी फर्ग्यूसन 10 mt DI। इस ट्रैक्टर में हमें ग्रीस लगाना है,
तो उसका जो इम्पोर्टेड पार्ट है सेंटर पिन, उसमें ग्रीस का होना लाजमी और ज़रूरी है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे होता है पीछे की ओर, और यहाँ पे हमें कैसे भी करके ग्रीस को लगाना है, यहाँ पे ग्रीस डालना ही डालना होता है। एक पॉइंट इस तरह से आगे की ओर होता है। अगर यहाँ पे ग्रीस लगाने में दिक्कत होती है तो हमें ट्रैक्टर को जैक लगा के उठा लेना है, उसके बाद सेंटर पिन को, उसका जो सेंटर बीम है इसको ऊपर नीचे हिला के कैसे भी करके यहाँ पे ग्रीस डालना होता है। तो ये इसका मेन पॉइंट है, वहाँ पे करना ज़रूरी है। इसी तरह से ये फ्रंट एक्सल देख सकते हैं, इसका पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे ये इसका टायर और एंड। इसी तरह से दूसरी ओर यहाँ पे भी टायर और एंड पे लगाना होता है, और यहाँ पे ब्रेक पैंडल पे देख सकते हैं दो पॉइंट लगा है, यहाँ पे भी हमें ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से यहाँ पे स्टीयरिंग पे देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये सभी ट्रैक्टर में स्टीयरिंग में ग्रीस लगाना नहीं होता है, मॉडल के हिसाब से बहुत से ट्रैक्टरों में स्टीयरिंग में ये ग्रीस का पॉइंट नहीं होता है। और इसी तरह से इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये फ्रंट एक्सल का पॉइंट यहाँ पे है, और ये टायर रॉड का। तो ये सभी पॉइंट में अच्छे से ग्रीस का होना बहुत ज़रूरी है, देख सकते हैं यहाँ पे भी। इसी तरह से ये ब्रेक पैंडल का इस साइड का हिस्सा, इसमें हमें ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से हम पीछे की ओर जाएंगे तो इसका जो टॉपलिन देख सकते हैं जिस पे एप्लीमेंट लगता है, इसमें भी दो पॉइंट होते हैं, इसको लगाना है। उसके बाद इसका ये जो सेटिंग रॉड होता है इसको यहाँ पे लगाना होता है। और हाँ दोस्तों, अगर कोई पॉइंट ग्रीस का कोई पॉइंट मेरे से दिखाने में छूट गया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलो अब इसमें ग्रीसिंग किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जरा घुमाओ, अरे बाहर निकालो, निकालो बाहर की ओर। तो अभी सबसे पहले हमें फ्रंट एक्सल में ग्रीस लगाना है। तो ये रहा हमारे पास में ग्रीस पंप। तो ये बहुत आसानी से इस तरह से लग जाता है। इसके पॉइंट में हमें ग्रीस का पाइप लगाना है, और यहाँ पे देखना है ये पुराना ग्रीस इस तरह से पूरा का पूरा बाहर निकलना चाहिए। देख सकते हैं ये पूरा ग्रीस बाहर की ओर निकल गया। तो इस तरह से हमें अच्छे से ग्रीसिंग करना है। अगर आप ट्रैक्टर ओनर हो और किसी के पास में ग्रीस करवाते हो तो अच्छे से करवाना है। इस तरह से हमें टायर और एंड में भी ग्रीस का पाइप लगाना है। और देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ग्रीस पंप का दबाव आएगा, जैसे ग्रीस पंप लगाएंगे यहाँ पे ग्रीस निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पुराना ग्रीस हमें बाहर निकाल लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब हमारा टायर और एंड कंप्लीट ग्रीस लग गया है। इसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ब्रेक पैनल में। और हाँ दोस्तों, आप अगर समय समय पे उसको ग्रीस करवाते हो तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से ग्रीसिंग हो जाएगा। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टाइम किया, काफ़ी अरसे के बाद अगर आप ग्रीसिंग करवाओगे तो हो सकता है उसमें दिक्कत हो। तो इसीलिए समय समय पे ग्रीस करवाना लाजमी और ज़रूरी है। इससे आपके जितने भी ट्रैक्टर में जितने भी जोड़ हैं ना, वो पुर्जे, इसकी जो लाइफ है वो दुगनी हो जाती है समय समय पे ग्रीस करवाने पे। इस तरह से देख सकते हैं ये पुराना ग्रीस पूरा बाहर निकला। तो आप ट्रैक्टर ओनर हो तो इस तरह से जो भी ग्रीस करने वाला बंदा है उसके पास में खड़े रह के आपको बोलना है, चाहे तो 10 या 20 रुपये ज़्यादा ले ले, लेकिन हर एक पुर्जे में जहाँ पर ग्रीस का नेपल लगा है, जिस जगह पर ग्रीस करना है वो अच्छे से करे। बहुत से क्या करते हैं ग्रीस वाले, ऐसे लगाया, थोड़ा बल लगाया, अगर उसका नेपल या कोई भी पुर्जा जाम है तो बोलेंगे नहीं होगा, हो गया, कैसे भी करके बाहर से लगा के बोलेंगे अब हो गया, है ना। तो आप देखो इसको कैसे भी करके ग्रीसिंग करवाना है। और ये फ्रंट एक्सल में भी देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये समय समय पे इस तरह से ग्रीसिंग नहीं करोगे ना तो आपका स्टीयरिंग जाम होने लगेगा, क्योंकि ये फ्रंट एक्सल का जो स्पिंडल है वो जाम होता है, तो फिर स्टीयरिंग काफ़ी जाम होने लगता है। तो ये मेन पुर्जे है, यहाँ पे तो आपको महीने में एक या दो बार तो ग्रीस करवाना ही करवाना है। अगर दो बार नहीं करते तो महीने में एक बार तो उसको लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस तरह से अगर आप समय समय पे ग्रीस करवाओगे तो आपके ट्रैक्टर का जितने भी पुर्जे हैं ना जहाँ पे ग्रीस लगता है, जो सूखे चलते हैं, उसकी लाइफ दुगना हो जाती है। अगर आपने सही वक्त पे ग्रीस नहीं करवाया तो जितने भी पुर्जे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से नीचे की ओर से भी हमें ग्रीस निकालना है, यानी जैसे हम ग्रीस करेंगे फ्रंट एक्सल में, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दोनों ओर से अच्छे से ग्रीस को बाहर निकालना है। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, जल्दी से पूरे ट्रैक्टर में ग्रीसिंग कर लेते हैं। अगर पूरा दिखाने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो शायद आप समझ गए इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से पॉइंट है जहां पे हमें ग्रीस करना लाजमी और ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अभी लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आपकी एक लाइक मेरे लिए अनमोल होती है और मेरा हौसला बढ़ता है आपकी एक लाइक से। मुझे इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की उत्साहित हो रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों में भी शेयर करें ताकि उनको ये पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।